अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मेच्योर माइंड्स। मेच्योर माइंड्स में आज हम एक बड़ी ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर के बारे में बात करेंगे। 31 मई को रिसेंटली जो डॉक्टर फवाद को पर तशद्दुद हुआ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, तो यार ये बड़ी ही ज़्यादा यानी मेरे लिए तो डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। एंड क्योंकि पाकिस्तान में ना दो चार महकमे जिनको बेहतर काम कर रहे हैं निस्बतन, उनमें एक यार डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टरों के साथ हम जो सलूक करते हैं वो आपने देख लिया। तो इसकी डिटेल के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या यानी कि तफसीलात हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर आप लोग ना सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे 31, ये ना 1 जून का बेसिकली स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे हर एक यहाँ पर ना जिस भी न्यूज़ चैनल को आप लगाएंगे वहाँ पर आपको यही खबर मिलेगी कि फैमिली ऑफ डिजीज जो टॉर्चर्ड द ड्यूटी डॉक्टर। तब ये मामला हुआ क्या था, बेसिकली ये किस तरह हुआ है? तो यार गलती हर बंदे से हो सकती है। अब हम लोग आम जुबान में तो कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इस पर यकीन नहीं रखते हम। एंड ये उसकी लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे अब बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, वो 2-3 साल की, उसकी डेथ हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऑब्वियसली डॉक्टर अपनी करते हैं कोशिश, लेकिन जो चीज़ मंजूर होती है होना तो वही होता है ना। लेकिन खैर हम जाहिल कौम है तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो ये डॉक्टर साद हैं, ये डॉक्टर साद, और इनकी एक वीडियो पड़ी हुई है ट्विटर पे, 2 मिनट की वीडियो, और मैं पूरी नहीं देख सका था। जेन्युइनली मैं पूरी नहीं देख सकता, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया उन्होंने। तकरीबन 1.5 घंटा इनको मारते रहे हैं, और इतना ज़्यादा मारा है कि जो उनके हाथ में आता था, हॉस्पिटल था वहाँ पे, आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे हर किस्म की चीज़ पड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जिस्म को काटने के काम आते हैं, तो उनसे मारा गया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स अगर मैंने तो इंटरनेट पे ये भी यहाँ पे एक बता रही थी डॉक्टर साहिबा कि ये जो डॉक्टर साहब हैं इनको इतना ज़्यादा मारा गया कि इनको ना लॉक करके वॉशरूम में, वॉशरूम के सिंक के साथ इनका सर टकराया पूरा घंटा, ठीक है, इमेजिन दैट। अभी ये आईसीयू में है। अच्छा, वो सिंक के साथ जब टकराया ना सर, तो ये चीज़ मांगते थे ताकि इसको मार सकें, तो इतना ज़्यादा ब्रूटल इनके साथ तशद्दुद हुआ है। अभी डॉक्टर साद LGH ICU लाहौर में है। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, ICU में बंदा पड़ा हुआ है, इसकी नोज़ की हड्डी टूट गई है, सर पे फ्रैक्चर हैं, ठीक है, एंड ही इज़ टोटली अनकॉन्शियस फॉर टाइम बीइंग। नो, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो उनको होश नहीं आया, एंड प्रॉबेबली डेथ भी हो सकती है। खैर, तो ये डॉक्टर फरख जवेद है, YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने कुछ कंसर्न्स शो किए हैं। ऑब्वियसली यार चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, अब केस क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके फिर मज़ीद बात करते हैं। केस ये था, एक बेबी आया है यहाँ पे ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अब बेबी को पहले ही मीज़ल्स का अटैक है, वो मीज़ल्स पहले ही उसको हुआ है, लेकिन वो पहले ठीक हो गया था, और ये घरेलू टोटके तो हम फिर आपको पता है करते रहते हैं, तो वो घरेलू टोटकों से ठीक हुआ है, लेकिन वो उसको दोबारा डिवेलप हो गया। 1-1.5 साल का बच्चा, उसमें इम्यूनिटी तो है नहीं, जब उसको मीज़ल्स डेवलप हो गया, फिर सही भी हो गया लेकिन बाद में दोबारा डेवलप हो गया, उसको लाया गया कहाँ पे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में लाया गया तो उसको डाल दिया इन्होंने वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे जब डाला है ना, तो अब उस बच्चे की 31 मई को सुबह डेथ हो गई है, और जब सुबह डेथ हुई है ना, तो तब 2 डॉक्टर ड्यूटी पे थे, डॉक्टर मरियम एंड डॉक्टर साद। डॉक्टर मरियम थी एंड डॉक्टर साद। अब ये जो डॉक्टर मरियम थी ना, ये बेसिकली इस पेशेंट को देख रही थी। अब ये जो डॉक्टर थी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बच्चे की डेथ हो गई है, लेकिन चूँकि अब क्या होता है कि जब बच्चे की डेथ होती है, बड़ा इमोशनल ट्रॉमा होता है फैमिली के लिए, किसी भी फैमिली के लिए। अब जाहिर सी बात है, फिर इन्होंने ना डॉक्टर मरियम जो थी ना, उसको कह दिया कि आप हॉस्पिटल से चली जाएँ, बाकी फिर देखते हैं, क्योंकि घर वालों ने तशद्दुद शुरू कर दिया था। तक अब जो ये जो घर वाले थे ना, ये गए हैं जी के स्टाफ रूम में जहाँ पे डॉक्टर साद बैठे हुए थे। डॉक्टर साद का डायरेक्टली केस से कोई तल्लुक नहीं था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साद चूँकि हथे चढ़ गए थे, तो वो स्टाफ रूम में बैठे हैं, तो उनको जाके इन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ा पहले तो स्टाफ रूम में मारा है।
अब ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है ना इंटरनेट पे, वो स्टाफ रूम की है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है। वो स्टाफ रूम से बाहर ले जाकर डॉक्टर साध को इन्होंने 1 से 1.5 घंटा फिर इनको मारा, इनको टॉर्चर किया है। यार अब मुझे ये बताएं कि इसमें डॉक्टर साध का कसूर, किसी भी डॉक्टर का कसूर है? आप जाहिल कौम है, डॉक्टर हमारे पहले 5 साल पढ़ते हैं, फिर 1 साल इनकी हाउस जॉब होती है, देन फिर ये जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर जाके भी हॉस्पिटल, प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, 2 चिल्ड्रन हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, एक रहीम यार खान में, एक इधर है, ठीक है। इन 2 हॉस्पिटलों में एक प्रेस्टिजियस जो हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, प्रीमियम किस्म का हॉस्पिटल है, एंड मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन हेल्थ सेक्टर अगर देखी जाए तो वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। और वहाँ पे अगर इस तरह हो गया है तो ये 2-3 सवाल खड़े करते हैं। एक तो हमारी कौम के IQ पे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी कौम जो है वो इमोशनल ट्रामा में क्यों चली जाती है। दूसरा, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उस टाइम कहाँ पे थी, स्टाफ की सिक्योरिटी, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किस तरह यानी कि की जाएंगी, जस्टिफाई की जाएंगी। अब इनको ना पकड़ लिया है, ये बेसिकली मुजरिम है, ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो ये लड़की के दादा हैं और ये बाकी जो है ना, एक बाप है और 3 चाचू हैं शायद। अच्छा, अब मसला ये था, हुआ क्या था, अब ये जो है ना, ये दादा, ये पुलिस में, सिंध पुलिस में एक मामूली सा सिपाही था। इमेजिन दैट कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी अदारों में, यानी कि आपकी जॉब होने का मतलब क्या है, कि ये एक सिपाही था और इसकी हिम्मत ये थी कि ये आके डॉक्टर को पढ़ गया। डॉक्टर यार प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे मुल्क का, हमें इसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब ये अच्छा, ये जो डॉक्टर दादा था ना लड़की का, पहले इसने शुरू किया सारा मामला। अब इनका तल्लुक बेसिकली सिंध से है, सिंध से ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाए थे। तो यहाँ पे ना हमारे एक और भी चीज़ है कि सेहत की जो सहूलियात हैं वो हमारे बड़ी कॉन्सनट्रेटेड है, जैसे हमारा लाहौर है। अब इस फैमिली के दर्द को भी समझना पड़ेगा, वन साइडेड आप नहीं ले सकते। नो डाउट इन्होंने गलत किया है। डॉक्टर साहब इस टाइम ICU में है, उनकी नोज़ फ्रैक्चर्ड है, उनका हेड फ्रैक्चर है, इनफैक्ट उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। तो यार अब ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज सिंध में अवेलेबल नहीं थी? ये इतनी दूर से अपने बच्चे को लाहौर में लेके आए सिंध से, तो ये एक फैमिली के ऊपर प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगी, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो फिर। डॉक्टर फरुख जवेद है YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि लाहौर का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ना, उनका सिक्योरिटी लैप्स है ये बहुत बड़ा, ठीक है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारना, यार कम ऑन, दिस इज नॉट अ जोक। अगर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान से बाहर अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोप है, यूरोप में ये इसको पब्लिक वायलेंस के एक्ट में डाला जाता है और वहाँ पे इसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट से मुराद है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो ये इतना ज़्यादा सीरियस क्राइम है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब इसी तरह के एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर विटनेस्ड सीन इन CMH हॉस्पिटल। अब ये भी एक अलहदा ही स्टोरी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री हॉस्पिटल है CMH, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया है मैं अब वीडियो में बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। अच्छा, पंजाब पुलिस ने वक्ती कार्रवाई की है और इन 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ना इनको हिरासत में ले लिया है। एंड अब इनकी सज़ा क्या है? बेसिकली सज़ा कोई भी नहीं है पाकिस्तान के पिनल कोड में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सज़ा नहीं। मैक्सिमम 6 मंथ की इनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो भी अगर ये बासर ना हुए तो, ठीक है। अगर ये लोकल लोग हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं होना। मैं सजेस्ट करूँगा आपको वीडियो आप ज़रूर देखें, मुझसे तो पूरी नहीं देखेगी, तकरीबन 2 मिनट 12 सेकंड की है, ठीक है। जो इंटरनेट पे मुख्तलिफ 30 सेकंड भी सर्कुलेट कर रही है, लेकिन जो मैक्सिमम लेता है वो 2 मिनट 12 सेकंड की, आप उसको ज़रूर देखें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका आई बटन में भी आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। बहुत ब्रूटैलिटी से मारा है डॉक्टर को, अल्लाह ही बचाया अब इस कॉम को। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एंड बिफोर लीविंग द लेक्चर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड बेल आइकन को ज़रूर आप दबा दें, तो बेल आइकन से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अब नोटिफिकेशन से आपको कीमती जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।